मैं बागर में गंगा घाट नाना मोड़ तट पर उपस्थित। आज कार्तिक पूर्णिमा मास के शुभ अवसर पर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं। अलाउंसिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कोई बच्चा यदि खो जाता है तो उसकी भी पुलिस ने यहाँ पर भी मौके पर मौजूद है। मेले की व्यवस्था के लिए गंगा घाट के किनारे स्नान करने के लिए स्नानियों को बैरिकेडिंग लगा रखी है पुलिस ने, जो कि बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान किया जा सके। अगर कोई भी घटना आकस्मिक घटने के मौके पर यहाँ पर गोताखोरों की भी नाव लगा रखी गई है और वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रही है। पूरी तीसरा नेत्र करके पुलिस चप्पे पर छानबीन कर रही है। आइए चलिए, उसके हमारे पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस तरीके से उसको ढूंढ रहे हैं। इसकी उम्र लगभग 5 साल। जहाँ कहीं भी हो तो सज्जन को मिले राजस्थान के पाटल में। हमारे पुलिस के जवान का कहना है कि व्यवस्था पूरी रात हो गई है इन लोगों को खड़े खड़े, और मेले की दूरी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में इस मेले को बसाया गया है। जगह पर्याप्त ना होने के कारण यहाँ पर मेले की व्यवस्था काफी दूरी तक व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक रोड पे आने जाने वाले ट्रैफिक की भी व्यवस्था की गई है। इसको पहले से रोका गया था ट्रैफिक, लेकिन बिल्लौर क्षेत्र के कुछ लोगों ने इस ट्रैफिक को वहां पर डाइवर्ट नहीं किया गया है, जिससे कि आज यहां पर ट्रैफिक में जाम लग गया है। बाकी बांगरमऊ की तरफ से आने वाली ट्रैफिक को पुलिस ने पहले से ही मुस्तैदी दिखाकर वहां पर डाइवर्ट करके रोक लिया है, जिससे किसी भी कोई भी हादसा ना हो। रामशरण कटियार के साथ समीर खान की रिपोर्ट।